और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो हरिद्वार से मिल रही है, जहां सीडीएस विपिन रावत की अस्थियों का होगा विसर्जन। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर कुछ ही समय बाद यहां विसर्जन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि वैदिक विधि विधान के साथ विसर्जित की जाएंगी सीडीएस विपिन रावत की अस्थियां। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे वीआईपी घाट, स्वामी यतीश्वरानंद महाराज भी पहुंचे वीआईपी घाट। छावनी में तब्दील किया गया है घाट के आसपास का क्षेत्र। तो खबर जहां सीडीएस विपिन रावत की अस्थियों का आज विसर्जन किया जाएगा, हरिद्वार के वीआईपी घाट पर कुछ ही देर बाद इसका विसर्जन होगा। वहीं आपको बता दें कि वैदिक विधि विधान के साथ यहां अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत वीआईपी घाट पहुंचे हैं, स्वामी यतीश्वरानंद महाराज भी पहुंच चुके हैं। वहीं आसपास का सारा क्षेत्र जो है वो छावनी में तब्दील किया गया है। पूरे इंतजाम के साथ यहां पर जो है अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। कल सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार हुआ था, जिसके बाद आज उनकी अस्थियां जो हैं विसर्जित की जाएंगी, जहां हरिद्वार के वीआईपी घाट पर कुछ ही समय बाद अस्थियों का विसर्जन होगा। वैदिक विधि विधान के साथ यहां उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से लेकर स्वामी यतीश्वरानंद महाराज भी वीआईपी घाट पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि आसपास के पूरे क्षेत्र को यहां छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि वीआईपी घाट पर तमाम लोग जो हैं मौजूद हैं, सेना के जवान भी आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर कि यहां जिस तरह से अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम उमड़ा था, नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी, तो वहीं आज अस्थि विसर्जन पर कई लोग यहां पहुंचे हैं। सेना के जवान के साथ साथ स्थानीय लोग, तमाम नेता, राजनीतिक पार्टियों से लेकर सामाजिक पार्टी और स्वामी यतीश्वरानंद महाराज भी वीआईपी घाट पहुंचे हैं, जिसके चलते यहां वैदिक विधि विधान के साथ अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। कल आपको बता दें कि अंतिम संस्कार किया गया था, जिसके बाद आज अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री से लेकर स्वामी यतीश्वरानंद महाराज और स्थानीय लोग, साथ ही साथ आपको बता दें कि सेना के जवान भी यहां मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेश तोमर जुड़ गए हैं। नरेश, आज सीडीएस विपिन रावत की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा, काफी हुजूम वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए राजभवन, निश्चित रूप से देखा जाए, देश के बड़े अफसर थे विपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर में दुर्घटना में जन्म हो गया, वही उनका आज अस्थि विसर्जन कार्यक्रम हलवा शहर की पौड़ी के पास ये भी घाट पर रखा गया है। पूरे क्षेत्र को राजमय बता दें कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कुछ ही देर में यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित ये दोनों बेटियां अस्थि कलश को लेकर पहुंचेंगी, जिसके बाद विधि विधान के साथ जो है हरकी बोड़ी के पास गंगा के समीप उनका जो है अस्थि विसर्जन कार्यक्रम किया जाएगा। मौके पर उनकी दोनों बेटियां पहुंचेंगी, लेकिन देखा जिस तरह से कड़े सुरक्षा के इंतजाम यहाँ किए गए हैं और फिलहाल जो है क्षेत्र को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी जी नरेश, आप बता सकते हैं कि कौन कौन राजनीतिक पार्टियों के लोग और जो वहां पर स्थानीय लोग हैं वो वहां पर शामिल हुए हैं? एक राज्य में बता दें कि जन्म से राजनीति से कमी है, जिस तरह कई भाजपा यहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं, तनसी रावत यहां पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री कई यहां पर पहुंच चुके हैं, मेयर यहां पर ऋषिकेश पर पहुंच चुके हैं, वही कांग्रेस के कई बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। पुलिस रूप से देखा जाए कई बड़ी समाज सेवी भी यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में और काफी लोग भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जी नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें खबर हरिद्वार से, जहां सीडीएस विपिन रावत की अस्थियों का आज विसर्जन होगा। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर कुछ ही समय बाद यहां पर, यानी कि कुछ ही देर बाद यहां विसर्जन किया जाएगा।